जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो सामने आने के बाद देश भर में महिला कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। रविवार को राजधानी शिमला में कांग्रेस कार्यालय के बाहर महिला कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया और रैली निकालकर प्रज्वलन रेवन्ना को जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाई। साथ ही महिला कांग्रेस ने भाजपा पर बलात्कारियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का केवल नारा लगाती है और बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को बचाने का काम करती है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने क्या कहा, सुनिए। केंद्र सरकार के खिलाफ इसलिए नारेबाजी की जा रही है क्योंकि भाजपा हमेशा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अगर सच में देखें तो ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। पूरे भारतवर्ष में इन 10 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महिलाओं पर इतने अत्याचार बढ़ गए हैं, चाहे वो हाथरस हो, उन्नाव हो, मणिपुर हो, अंकिता भंडारी का केस हो, और महिला पहलवानों के साथ जो शोषण की बात हुई है आप देखिए। और अभी जो सबसे बड़ी शर्मनाक घटना, जो प्रज्वल रेवन्ना है वो और उनके पिताजी, उन्होंने लगभग 1000 महिलाओं के साथ बलात्कार किया और लगभग 2000 महिलाओं की जो सेक्स स्कैंडल जो ये इतना बड़ा हुआ है, ये अश्लील वीडियोस जो वायरल हो रही है, बहुत शर्म की बात है। और वो जो प्रज्वल रेवन्ना है वो एनडीए का उम्मीदवार था, एनडीए का उम्मीदवार। आप समझ सकते हैं कि बलात्कारियों के साथ जो है भाजपा खड़ी है। हमारे प्रधानमंत्री जी उसके चुनाव प्रचार में गए, इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि भाजपा का जो हाथ है वो बलात्कारियों के साथ है। मैं पूछना चाहती हूँ, आज जो भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी बड़ी नेत्रियां हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, आज वो क्यों नहीं बोलती हैं? वो जो बलात्कारी है वो जर्मन जाके भाग गया है, उसको प्रधानमंत्री जी कब ला रहे हैं? हम हिमाचल प्रदेश की महिलाएं ये पूछ रही हैं, इतने अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन कोई भी भाजपा का बड़ा नेता एक शब्द नहीं कह रहा है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।